आपका प्रश्न है x प्लस वन बाय एक्स का पावर कितना x, और दूसरा है x का पावर वन प्लस वन बाय, गजब की चीज है, इसको हम लोग डिनोट कर लेते हैं y से। ध्यान दीजिए, एक ये आइटम से और एक ये, ध्यान से देखिएगा। आपको क्या लग रहा है, कल आपको याद है हम डायरेक्टली लॉग ले लें या फिर पहले m और n मान के दोनों तरफ अवकलन करके तब लॉग लें? मान लेना पड़ेगा, दो चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आपको याद होगा कल माना कि y बराबर m प्लस n, आप m n के स्थान पे कोई भी ABCD मान सकते हो। जैसे मान लिए तो सीधे लिखोगे ना, अब दोनों तरफ x के सापेक्ष, नहीं नहीं नहीं, पहले अवकलन करेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर जैसे अवकलन करिए तो y का अवकलन हो जाएगी dy वाई बाई डी एक्स, एम का अवकलन होगी dm एम बटा डी एक्स, अब प्लस एन का अवकलन होगी dn एन बटे डी एक्स। इसे समीकरण एक मान लेगा, अब जा करके dm एम बटे डी एक्स निकालना पड़ेगा टाइम लगा के, dn एन बटे डी एक्स निकालना पड़ेगा टाइम लगा के, तब मान बैठाओगे, समझ रहे हैं ना। बारी बारी से शुरू कर लेते हैं कैसे कैसे निकलेगी। तो पहले क्या करोगे, dm एम बटे डी एक्स निकाले, लेकिन dm एम बटे डी एक्स निकालने के लिए हमको m लेना पड़ेगा, चुकी करके ले लीजिए, चुकी m बराबर, कहाँ m बराबर, m बराबर कहाँ गया, m बराबर है x प्लस वन बाई एक्स का पावर x। अब क्या डायरेक्ट अवकलन होगी कि लॉग होगी, लॉग लॉग होगी ना, पावर उत्पटांग चीज है ना। अब दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जैसे दोनों तरफ लॉग लीजिएगा तो ये हो जाएगा लॉग m, और ये जैसे लॉग लेंगे सर पे वाला आ जाएगा, एक बार करेगा, लॉग लेते हैं तो सर पे वाला आ जाता है आगे, जैसे लॉग लेंगे ना तो ये सर पे वाला आगे आ जाएगा और लॉग लग जाएगी, हो गई। अब इसको देखिए, आपको नहीं लग रहा यू इंटू वी पे है, यू इंटू वी। अब आप दोनों तरफ अवकलन करोगे, अब दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए तो log m का डायरेक्टली करते हैं, log m का वन बटे एम इंटू डी एम बटा डी एक्स, समझ रहे हैं, देख चुके हम लोग इसका u इंटू वी, और u इंटू वी में क्या होता है, दूसरा वाले को रखेंगे log x प्लस, दूसरा वाले को रखे और पहला वाले का अवकलन x का अवकलन, तो x का अवकलन वन होगी, लिख देते हैं प्लस, दूसरा को रखे पहला का अवकलन किए, अब पहला को ही रखिए और दूसरा अवकलन होगा, तो दूसरा का अवकलन उत्पटांग है, दूसरा देख रहे हो ना, दूसरा फलन उत्पटांग है ना, इसका अवकलन होगी चेन रूल से, आप दूसरा का अवकलन करोगे तो शुरू हो रही है डी लॉग एक्स प्लस वन बटे एक्स, ध्यान से देखिएगा डी लॉग एक्स, ध्यान से देखिएगा क्या हम सही लिखे, और फिर इसी चीज को ना ऊपर लिखेंगे x प्लस वन बटा एक्स अब बटा डी एक्स, यहाँ से वहाँ तक अवकलन हुआ, अब आपको डी एम बटे ये चाहिए ना, तो इसके लिए डी एम बटे डी एक्स को रहने दीजिए और ये m उधर जाएगा, m जाएगा ना, तो m इधर भाग में तो उधर m जाएगा गुना में, बाकी सबको उतार लीजिए, एक से गुना होने पे कोई फर्क नहीं पड़ती है, तो आपको बचेगा log x प्लस वन बटा एक्स, ये बीच में प्लस है, ये बीच में प्लस है, साथ ही साथ क्या है एक्स है, इसका बताओ लॉग एक्स का क्या होता है, वन बटा एक्स, तो एक्स के जगह पे ये है ना मेरा, हो एक्स जगह पे है ना है, फिर इनटू, फिर इसका, इसका होगा एक एक्स का ब्रैकेट देना मत भूलिएगा, एक्स का एक प्लस वन बटे एक्स का, याद होगा आपको वन बटे एक्स का अवकलन याद होगा, माइनस वन बटे एक्स स्क्वायर, वन बटे एक्स का अवकलन होता था माइनस वन बटे एक्स स्क्वायर, समझ रहे हो, अरे यार माइनस एक्स बटे एक्स स्क्वायर याद है, बहुत दिन पहले, बहुत दिन पहले मतलब क्या, वन बटे एक्स के पावर पांच का अवकलन क्या हो गया, सही जवाब है माइनस पांच बटे एक्स के पावर छ, भूले ना हो, बटा वाला में जो पावर रहता है उसको माइनस लगा ऊपर ले जाते हैं और एक बढ़ा देते हैं, वन बटे दस का अवकलन माइनस दस बट एक्स के पावर ग्यारह, याद है जो पावर रहता है उसको माइनस लगा के ऊपर और एक बढ़ा देते, तो उसी प्रकार वन बटे एक्स है ना, तो एक्स का पावर कितना है
एक, तो माइनस लगा ऊपर लगा दिए तो माइनस एक हो गए, एक को बढ़ा कर दो कर दिए, समझ रहे हो। तो इस चीजों पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, यूज थोड़ा कम हुआ था इसलिए रिवीजन नहीं किए होंगे आप लोग। आइए देखते हैं, तो हमें चाहिए डी एम बटे डी एक्स ना, तो एम का मान बैठाओगे क्या, कहाँ गया एम का मान, एक्स प्लस वन बटे एक्स का पावर एक्स है, और बाकी सब लिखिए, ये कितना है लॉग, सॉरी एक्स प्लस वन बटे एक्स प्लस, हमें लग रहा है पहले इसका भी भिन्न का जोड़ होगा नीचे वाले का, नीचे वाला भिन्न का जोड़ ना होगा, करिए तो एक्स इंटू वन बटा, भिन्न का जोड़ करवाइए नीचे वाले को, क्या सही लग रहा है आपको, इसका भिन्न बताओ ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स इंटू ऊपर वाला का करवाइए तो थोड़ा सा देखिए करवाते हैं, सही है, देखिए तो ये ना होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन बटे एक्स स्क्वायर। अब आप आराम से डी एम बटे डी एक्स के लिए m का मान है एक्स प्लस वन बटा एक्स का पावर एक्स, इसको लपेटिए तो एक्स प्लस वन बटे एक्स, ओ आपको नहीं लग रहा ये एक्स ऊपर चला जाएगा, नहीं एक्स ऊपर चला जाएगा, हाँ ये ऊपर में ना है, अब गौर कीजिएगा तो आपको नहीं लग रहा एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हो जाएगा ना ऊपर जा करके यार, एक पलटे ऊपर जाएगा ना, ऊपर में एगो एक्स है ये नीचे जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगी, इधर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वन बटे, आपको नहीं लग रहा ये दोनों कट गई, अब बचा आपके पास डी एम बटे डी एक्स के लिए एक्स प्लस वन बटे एक्स का पावर एक्स, और ये उत्पटांग चीजें लॉग एक्स प्लस वन बटे एक्स प्लस, इधर कितना एक्स स्क्वायर माइनस वन अब बटे एक्स स्क्वायर प्लस, ये क्या निकला है सिर्फ निकला डी एम बटे डी एक्स, समझ रहे हो सिर्फ डी एम बटे डी एक्स निकला, अब हमें क्या निकालना है डी एन बटे डी एक्स, फिर इतना समय लगाइए, समझ रहे हो ना, मतलब कुल मिला पाँच मार्क्स देगी, इसलिए कहते हैं हर एक सवाल को सुनिए अगला सवाल मिलती अप्लाई करिए, और फिर इतना ही टाइम लगा क्या डी एन बटे डी एक्स, तो इसके लिए एन लेंगे, क्या खाली करना चाहोगे जल्दी खाली कीजिए, एक एक सवाल बहुत बढ़िया है, ये टाइप दसवा और ग्यारहवा को थोड़ा संभाल लीजिएगा, समझ गया ना, बहुत टाइम देगा और चीज़ें क्लियर हो जाएगी, जल्दी खाली करिए आप लोग। और हाँ तो डी एन बटे डी एक्स तो निकल गई, अब लिखेंगे पुनः एन क्या है आप बता सकते हो थोड़ा कॉपी में, एन होगा एक्स के पावर, ये होगी ना, इसमें भी हमें लग रहा है लॉग लेना पड़ेगा, इसमें भी लॉग लेना पड़ेगा, तो दोनों तरफ लॉग लेने पर ध्यान यहाँ होना चाहिए, इधर हो जाएगी आपको लॉग एन, और इधर सर पे लागे आ जाएगा तो वन प्लस वन बटा एक्स हो गई आगे, तो बचा कितना लॉग एक्स, यही ना, ये जब सर पे आगे आएगा तो इसी ने एक्स में ना लॉग लगेगा, फिर आप यू इनटू भी, अब दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अब लॉग एन का क्या हो जाएगा, वन बटे एन इंटू डी एन बटे डी एक्स, फाइनली अब इसमें दूसरा फलन को रखिए लॉग एक्स को रखिए है ना, और इसका अवकलन कीजिए, तो इसका अवकलन एक का अवकलन जीरो और वन बटे एक्स का अवकलन माइनस वन बटे एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा हम इसको घेर देते हैं, इस ये तो रख लिए और इसका अवकलन ये हुआ है कि एक का जीरो हो गया वन बटे एक्स का माइनस वन बटे एक्स स्क्वायर, समझ रहे हो ना, इसको रखे इसका अवकलन किए प्लस इसको रखे इसका अवकलन, इसी को रखते हैं वन प्लस वन बटे एक्स, इसी को रखेंगे और लॉग एक्स का अवकलन वन बटे एक्स, जो डायरेक्टली अवकलन हो जाता है ना उसको चेन रूल पे नहीं लगाते हैं, जो उत्पटांग होता है तो बढ़ा लेते हैं स्टेप, देखते हैं थोड़ी देर पहले, आइए अब हम लोग बात करते हैं, अब बताओ तो हमको ये डी एन बटे डी एक्स चाहिए, तो डी एन बटे डी एक्स को हम रखेंगे इधर और एन उधर गुना में आ जाएगी, अब बताइए कितना बचा है, माइनस कॉमन ले लेगा, एक काम करते हैं माइनस कॉमन लेते हैं रहने देते हैं, एक काम करते हैं गौर करिए ध्यान से नहीं, क्या कर रहे हैं क्या पानी, अब थोड़ा रुक जाइए ना तो पानी जा कर पी लीजिए, उधर होगा क्या डब्बे उब्बे में देख लीजिए, हाँ ट्राई करते हैं थोड़ा ट्राई करने दो, अब बताओ क्या हो जाएगी, सो तोड़ ले, इधर है माइनस वन बटे एक्स स्क्वायर इंटू
लॉग ए, थोड़ा घुमा लिए पहले को बाद वाले को पहले। ओ ये ब्रैकेट तोड़ना चाहेंगे आप, ब्रैकेट तोड़ना चाहेंगे? जैसे ब्रैकेट टूटेगा तो क्या हो जाएगी, ब्रैकेट अगर टूटेगा तो क्या हो जाएगी, ये वन बटे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये वन बटे एक्स हो जाएगा। नहीं तो अगर आप ब्रैकेट नहीं तोड़ना चाहते हो तो यहाँ पे वन बटे एक्स है, इसमें वन बटे एक्स स्क्वायर है, कॉमन तो हो जाएगा ना, हो नहीं कॉमन हो जाएगी, ब्रैकेट दो तो ये जो कहते हो लिख लीजिए वन बटे एक्स इंटू वन प्लस वन बटे एक्स, यही ना है। थोड़ा सा घुमा लीजिए तो डी एन बटे डी एक्स, एन का मान बैठाइए, कहाँ गया एन का मान, एक्स के पावर वन प्लस वन बटे एक्स है। अब आपको कुछ और कॉमन ले ही लो साथ में, क्या कॉमन ले लीजिएगा, अब देखिए वन बटे एक्स इसमें भी है, वन बटे एक्स इसमें भी है, क्या कॉमन ले ले, देखिए ले लेते हैं तो वन बटे एक्स जो है कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा यहाँ पे, एक काम कर लेते हैं वन प्लस वन बटे एक्स माइनस वन बटे एक्स इंटू लॉग एक्स, थोड़ा सोचिए तो हम सही लिखें, ये पहले लिख लिए हैं और ये बाद में लिखे माइनस वाले चीज़ों को, ठीक है ले लिए कॉमन, ठीक अच्छी बातें हैं। अब डी एन बटे डी एक्स है, अब देखिए आप छोड़ सकते हो डायरेक्टली ना, एक मिनट एक मिनट, यहाँ एक्स का पावर क्या है इतना और यहाँ एक्स का पावर कितना है, कुछ नहीं तो एक है ना, अरे भाई ऊपर में अगर एक्स के पावर पाँच है और नीचे में एक्स के पावर एक है तो एक्स के पावर पाँच माइनस एक ना एक घट जाती है, अगर आधार सेम हो तो भाग में पावर घट जाती है, तो यहाँ पे एक्स के पावर कितना है ये और यहाँ एक्स पावर कितना है एक, तो एक घटेगा ना, जब ऊपर में घटेगा तो मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्या हम सही लिखें कैसे, क्योंकि जैसे यह एक घटेगा तो यह एक और यह एक घटकर कट नहीं जाएगी, अरे यार x के पावर 1 प्लस 1 बटे x है और फिर एक माइनस में जाएगा नहीं, नहीं चला ये नहीं कट के 1 बटे x बचेगी, तो ये बच गई, अब बचा कितना मेरे पास, ये 1 प्लस 1 बटे x और माइनस 1 बटे x इंटू लॉग x, आप यहाँ पे इसको छोड़ सकते हो आंसर्स के लिए, समझ रहे हैं ना, बड़े आराम से, फिर भिन्न का जोड़ घटाव भी हो सकती है, लोचा नहीं होना चाहिए, भिन्न का जोड़ घटाव भी हो सकती है एक स्टेप बढ़ाने के, लेकिन अब यहीं पे छोड़ दो, समझ गए, अगर भिन्न का जोड़ घटाव लेंगे फिर एक बार x घटेगा, समझ रहे हो, लेकिन आप रहने दो कोई दिक्कत नहीं, तो क्या निकल गया आपको डी एन बटे डी एक्स, अब डी एन बटे डी एक्स निकल गई है, डी एन बटे डी एक्स निकल चुकी है तो बचा क्या, आप समीकरण में बैठाएंगे तो आप सीधे लिखेंगे ना, अब समीकरण एक से, तो बताइए समीकरण एक में क्या था, सो समीकरण एक में आपको मिटा दिए हैं डी वाई बटे डी एक्स था उसका डी एन बटे डी एक्स, कहाँ का डी एन बटे डी एक्स, डी बटे डी एक्स कहाँ यार, एक्स प्लस वन बटे एक्स का पावर एक्स लॉग एक्स प्लस वन बटे एक्स प्लस माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस, ये है फिर प्लस था कि माइनस था, डी प्लस था बीच में और उसके डी एन बटे डी एक्स क्या है, एक्स के पावर वन बटे एक्स इंटू उतार लो वन प्लस वन बटे एक्स माइनस वन बटे एक्स इंटू लॉग एक्स, अगर आंसर देखोगे तो आंसर में थोड़ा और भी चेंजेज हो सकते हैं, अगर आंसर में चेंजेज होगा नहीं समझ जाना एक स्टेप और बढ़ाया है, ये आपको क्या मान निकला है डी वाई बटे डी एक्स, पाँच मार्क्स मिलेगी इतना बनाओगे, जल्दी खाली कीजिए फटाक से जल्दी, और हाँ इतना जो सुने हैं ये सब का आंसर आपको अगला सवाल में मिलते जाएगी, जल्दी नोट कीजिए।